सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणीन धना तुमरी महिमा वर्ण न साखू तू ठाकुर च भगवाना वाहिगुरु साहिब जीओ कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट बो जोनी फरे कई कोट बैठते ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंता जह जह पाणा तह तह रखे नानक सब किश प्रभ कै हथे जह जह पाणा तह तह रखे नानक सब किश प्रभ कै हथे चवर छत्र तख्त दे मालक तन तन साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की रहमत कृपा सदका आप जी अमृत वेले सतगुरु के चरणों च हाजरियां भर रहे हो। आओ गुरमुखो धन गुरु अर्जन देव पातशाह की पवित्र बाणी श्री सुखमणी साहब जी की विचार आरंभ करने तो पहला गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाइए। देहो आशीष प्यार नाल आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परमात्मा नूं लभण वास्ते हर एक मनुख ने कोई ना कोई टिकाणा लभिया है ते मन च ख्याल है कि शायद इस टिकाणे विच बैठे हाँ इस जगह ते बैठे हाँ रब मैनूं छेती मिल जाएगा ते सतगुरु पातशाह दे जिहड़ा जिक्र कीता है महाराज कहिंदे कुछ ऐसे भी लोग हन जिन्हां रब नूं पाउण वास्ते कुछ ऐसे टिकाणे ऐसे थां बनाए जिथे ये सोच रहे भी सन दुनिया का बंदा कोई ना देखे अपने आप नूं लुका के छुपा के बैठे। इत्थों तक कई उन्होंने कई मनुख ऐसे सन जिहड़े धरती दे विच टोआ कढ के जां धरती दे थले अपना आसन बना के रहन लग पए ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे ने इसे तरह के कई मनुख हन जिहड़े कई कोट पाताल के वासी जिहड़े धरती दे थले रहन लग पए पाताल विच रहन लग पए ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे जिन्हां ने अपने आप नूं छुपा के लुका के रब नूं पाउण दा तरीका लभिया शायद इदा रब मिल जाएगा। पर गुरमत इस गल नूं प्रवान नहीं करदी भी सिख कदे इदा करे। महाराज ने किते बाणी च जिक्र नहीं कीता भी जिहड़ा सिख है वह अपना परिवार घर परिवार छड के इदा टोए पुट के जमीन के थले रह के ते अपना आसन बना के ते रब दुनिया तो लुक के लुका के अपने आप नूं ते रब नाल जुड़े गुरमत नहीं प्रवान करती। महाराज ने जो गुरमत के दायरे चो वेखीए तो भाई साहब भाई गुरदास हुणां ने बड़ा स्पष्ट जिक्र किया है भी गुरमत ने इस गल की मुनाही की है। कहिंदे सिर तलवाया पाई है चमगिदड़ जूहे। भाई गुरदास कहिंदे जे पुट्ठा लटकिया रब मिल जाता तो चमगिदड़ नूं रब मिल जाना सीगा। मड़ी मसाणी जे मिले विच खुड्डा चूहे। जे मड़िया कबरां विच बैठ के रब मिलदा टोआ पुट के जमीन विच रहण नूं रब मिलदा तो चूहे नूं मिल जाना सीगा। क्योंकि कबरां विच उस थावां खासकर उन्हां कबरां उन्हां थावां दे उत्ते चूहा वधेरे हुंदा जिथे मुरदा दफनाया जांदा। सतगुरु पातशाह कहिंदे ने इस करके मड़ी मसाणी जे मिले विच खोडा चूहे। ते बड़े प्यारे तरीके दे नाल भाई साहिब भाई गुरदास उन्हां ने इस गल दा खंडन कीता आ
ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਵਰਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਆਦ ਅੰਤ ਅਰ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਦਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਆ ਗਏ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਵਰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲਾ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫਿਰ ਗਏ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜੋਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਜੋਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਖਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਚੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੀੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੋਗੀ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲਾ ਆ ਕੇ ਰੋ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ,
लोकां वास्ते एक साल दा स्वर्ग, तेरे वास्ते सारी उम्र दा स्वर्ग। तू अंदरों आवाज दिंदा भी मैनू तेरे दर्शन दी लोड़ ही नहीं, मैं तो तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता, अपनी शकल लै जाए इतों मेरे लागू, मैं तेरे शकल तेरी वेखनी तक नहीं गी। वह बड़ा बड़ा हैरान कह लगा तू मैनू इस तरह ना, वो चेले कह लग पे इदा ना बोल सराफ मिल जाऊगा, कहिंदा भी जो देना दे के चला जा। वो हंकारी नहीं सीगा, याद रखना, उस गुरु का सिख हंकारी नहीं सीगा, पर वो पखंडी लोकां दे खिलाफ सीगा ते गुरमत दे परनाए सीगा। इस करके उन्हें आख्या मैं तेरे दर्शन की बिल्कुल लालसा नहीं रखता, जिधरों आया उधर चला जा, जेड़े तेरे दर्शन की लालसा रखते ने तू दर्शन दे उन्होंने जाके। भाई तिलके ने जो ये वचन बोले तो बड़ा हैरान होया जोगी, कहिंदा वाकई बड़ा बेपरवाह है, हुण ते वापस गया भी मेरी तोहीन आ। जोगी सोचता भी कहिंदा मैं वापस नहीं जाना, तेन दर्शन दे के जाना, कहिंदा भी चंगा फिर बैठा रह इत्थे, मैं फिर लगा सौण, मैं कुंडी लाही अंदरों तो मैं लगा जी सौण, जे तेरी मर्जी धुप्पे बहना बैठा रह, पर मैं तेरे दर्शन नहीं करने। जोगी हुण खिंच गया, कह लगा फिर मन च किन्ना चिर चुप रहा शांत रहा, तो अखीर मन च ख्याल कहिंदा भी नहीं, कुछ ना कुछ तो कोई ताकत उहदे कोल हैगी है ना जिहड़ा इदां बोलदा पिया। वो कह लगा चल फिर ऐ कर, तू मैनू एक गल जवाब दे, तू स्वर्ग लैणा क्यों नहीं? कहिंदा मैं हुण स्वर्ग विच ही रह रहा, सिख दे बोल सी मैं स्वर्ग विच ही जी रहा वा, मेरे वास्ते गुरु अर्जन देव साहब दे चरण ही स्वर्ग आ, सतगुर की बाणी ही स्वर्ग आ मेरे वास्ते, मैनू तेरे चरणा तेरे पैरां दी लोड़ नहीं। वो कहिंदा वो कौन आ, कौन आ गुरु अर्जन देव? कह लगा फिर जे तैनूं पता नहीं है ना ते सिखां को पुछ जाके, ते जिन्हां नूं पता वह तेरे वर्गियां कोल नहीं आउंदे, ते जिन्हां नूं उस गुरु का नहीं पता वह तेरे प्यारां च बहिंदे ने आके, तेरे वर्गियां दे गोडे घुटदे ने जिन्हां नूं उस गुरु की महिमा का नहीं पता। जोगी कह लगा एक काम कर, हुण मैं तेनू ये गल कहना भी तेरे तू मेरे दर्शन ना कर, हुण मैं बेनती करदा है जे तेरा एडा उस गुरु ते विश्वास है अकीदा है, हुण तू मैनू दर्शन दे, हुण तेरे दर्शन मैं करके जाने आ। वो आख लगा दर्शन देने वाला मैं कौन हूं ना, दर्शन करने ते अमृतसर साहब जा गुरु अर्जन देव साढ़े दीदार कर जाके एक बार। कह लगा सच्ची दसा मैं तेनू जोगी बन के, तेनू कोई महान बंदा बन के नहीं मिलना चाहता, तेनू इन्ना वर्गा आम बंदा बन के मिलना चाहना, ते मैं ये गल सारे लोगों च कबूल करदा कि मैनू रब नहीं जे मिलिया, मैं पखंडी हाँ, ते इस करके मैं अपना प्रबंध करदा रोजी रोटी का, पर आ सिख दे विश्वास तो इंज लगा है, इंज समझ आई है भी मैं ते कख भी नहीं इहदे अगे। तू जे हुण मैं उन्हें बूहे च खड़ोते ने आख्या मैं सारी संगत विच इस गल नूं कबूल कीता है कि मैं पखंडी हाँ, तू दर्शन दे हुण मैनूं सीधा रस्ता तू विखा। हुण उस गुरु के सिख ने दरवाजा खोलिया ते बाहर आया ते उन्हें जोगी जो जोगी ने वेख्या ते वाकई भी गुरसिख सीगा, उहदे पैरां ते सजदा करना चाहिया। गुरु के सिख भाई तिलके ने उसनूं फड़ के उठा दिता ते एक गल समझाई पासे करके, कह लगा भी जिन्हें लोग तेरे चेले बने आ ना इन्हां नूं तोड़ी ना, घर ना वापस मोड़ी, इन्हां पहला इहदा काम इन्हां लोकां नूं की सिखाउणा है, तू पहला सिख, तू पहला गुरु अर्जन देव साहिब दी सिख्या प्राप्त कर, महाराज दे चरणां विच हाजरी भर, दर्शन कर, जिन्ने लोग इन्हां नूं भी सतगुर दे चरणां विच बाणी नाल जोड़, तू ते अपने नाल जोड़िया, इस चरणां दे विच गुरु साहिब दे चरणां विच जुड़ के वेख, तू जिहड़े स्वर्गां दीआं दुनिया नूं गल्लां सुणाउंदा तैनूं महसूस होएगा भी तू जिउंदे जी स्वर्ग च रह रहा।
उस सिख दियां बातां दा ऐसा तिलके बस भाई सिख दियां बातां दा ऐसा असर होया जोगी दे उत्ते जोगी गुरु अर्जन देव महाराज के दर्शन करने वास्ते भाई तिलके नाम अमृतसर साहब गया ते वाकई जो उथे महसूस किया उसने जाके ते गुरु साहब दे दीदार पा के उन्हें खुद कहा कि दुनियादारी दे लोगो वाकई ना किसी ने अगला नरक स्वर्ग वेख्या जे ते ना किसी ने जाणिया वा पर जो गुरु अर्जन देव साहब जी दे चरणा विच स्वर्ग है जो सतगुर दे चरणा विच आनंद है ये किते नहीं जिएगा ये गुरसिख का अकीदा गुरु के चरण आ गुरु का शब्द आ ते यही गल बाबा कबीर जी कहते चरण कबीर सुरग नरक ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज मैं रहो अंत अरे आद गुरु दे चरण मेरे वास्ते ही स्वर्ग है। कई कोट नरक सुरग निवासी करोड़ा ही जीव ने जिहड़े नरक भोग रहे ने ते करोड़ा ही स्वर्ग भोग रहे नरक भोग रहे ने गुरु तो टुट के जिहड़े अपने घर की सुख शांति लभण वास्ते एक गुरु का दर छड़ के ते दर दर ते फिरदे पे हाथ अड़दे फिरदे भखारियां वांग भखारी जाग बन के ते भखारियां को मंगण तुरे रहे ने ते उन्हां दे घरां च कलेश वह चिंतावां वह फिकर वह लड़ाइयां झगड़े उदां ही चलदे पए ने पर क्योंकि सच्चे गुरु का आसरा नहीं मिले वह घर नरक बनया पिया जिथे रोटी बन लग्या भी कलेश पैना रोटी खाण लग्या भी कलेश पैना नरक ही है ते वह स्वर्ग है जिथे हर वेले शुकर ना बनती है शुकर ना खाधी जाती है। ते महाराज पातशाह कहिंदे ने कई कोट नरक सुरग निवासी इदां दे करोड़ा ही हैं कई कोट जन्मै जीवै मरे करोड़ा ही ऐसे हैं कई करोड़ ही जमदे ते मरदे ने रोज। चलो इहदा जीव जंत भी संसार दे मनुख भी ते जीव जंत भी करोड़ा ही जमदे मरदे पए ने ते एक होर जन्म मरन है अपने अंदर जमीर दा आत्मिक तौर ते आत्मिक तौर ते कई मनुख कई बार ध्यान दिन च कई बार जमदे कई बार मरदे कई बार जमीर जागदा कई बार जमीर नूं समा दिंदे कई बार जमीर मर जांदा कई मनुखां दा जमीर जागदा है वह जन्म है सतगुर के जन्म है गमन मिटाया इदां दा पातशाह कहिंदे ने कई कोट जन्म है जीवै मरे ते जदों गुरु भुल जाए उदों मौत है। महाराज ने बाणी जिक्र किया बड़ा प्यारा सतगुरु साहिब पातशाह कहिंदे ने सो मुआ जो मनो बिसारे वो मरिया है जरा अंदरों रब नूं भुला दे। पातशाह ने बाणी च बड़ा प्यारा जिक्र किया तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए पातशाह ने हर विसरत सो जानो मुआ जिन्हों रब भुलिया वह जूंद मरिया होया इदा दे कई हैं जिन्हों रब चेते आउंदा उन्हां दा जन्म हुंदा गुरु दे चरणा विच गुरु दे घर विच जिन्हां रब भुलिया वह मर जांदे हन आत्मिक तौर ते। कई कोट जन्म है जीवै मरे कई कोट बहुत जोनी फिरे करोड़ा ही ऐसे हन जिहड़े कई करोड़ इदां दे जिहड़े जूना च पै रहे ने इक ते चलो आत्मा जूना भोग रही है कई तरह दियां एक जूंदे जी भी जून भोगना है बाणी च बड़े प्रमाण ऐसे आउंदे ने गुरमंत्र हीणस जो प्राणी तिरगंत जन्म परिष्टनै कूकरै शुकरै काकै गर्दबै सरपणै तुल खलै दीन बिसारियो रे दीवाने दीन बिसारियो रे पेट भरियो पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारियो। महाराज ने बड़े आ उदाहरणां बाणी च दित्तियां होईयां ने पशु मिले चंगियाईयां खड़खावे अमृत दे नाम वे हुणे आदमी तिरग जीवन कर्म करे ते सतगुरु पातशाह ने एक जिक्र ए वी बाणी च कीता बाबा रविदास वर्गे महापुरखां ने जिक्र कीता उह कहिंदे ने माधो अविद्या हित कीण बबेक दीप मलीन त्रिगत जोन अचेत संभव पाप पुन असोच मनुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच। इदां भी हो रहा है कई कोट बहुत जूनी फिर कई करोड़ा जूंदे जी ही अपने जीवन दिया जूना भोग रहे अभी कई बार किस क्योंकि इन्हू इदा मारन ने भी आख्या करतूत पशु की
मानस जात। एक गुरु नानक साहब का आसा राग च बड़ा प्यारा शब्द आउंदा है, ताल मदीरे कट के काट दोलक दुनिया बाजे बाज। इस शब्द दे विच गुरु नानक साहब ने एक जिक्र कीता है, राजा न्याऊ करे हथ होए ले जिते बिन रहे ना कोए, कहे खुदाए ना माने कोए, मानस मूर्त नानक नाम करनी कुत्ता दर फरमान। जे करनी होवे शर्मिंदा एह कमाणी रीत, जो कूकर हरकाया तावै दै जिस जाए, लोभी जंत न जानी पाख पाख सब खाए। महाराज ने तुलना कीती है बंदियां दी, जे लोभी हंकारी हन ते पातशाह कहिंदे फिर इदां दे हलकाए कुत्तियां वर्गे, उह वी जून ही है इक भोग रिहा बंदा। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे ने, आपां बचन पढ़दे हां ना बाणी दे विच, सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब का पावन हुक्मनामा पढ़ते, हर बिसर सदा खुवारी बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरजारी। ये भी जून है कि रब नूं टुट के इदां जीना जिवें सप सप की उम्र होवे, सप अजगर तुरै फिरदा होवे, जहर दा भरिया तुरै अंदरों फिर फिरदा होवे। पातशाह कहिंदे ने कई कोट बहु जूनी फिरिया, कई कोट बैठत ही खाए, करोड़ां ऐसे जिहड़े बैठे खा रहे जिहनूं रब दे रिहा बैठियां नूं, कई कोट काले थक पाहे, कई करोड़ां जिन्हां नूं बड़ी मेहनत करके खाणा पैंदा, जिन्हां चिर घरों सवेरे कमाई करन वास्ते निकलना शाम तक उन्हां नूं खाण नूं मिलना नहीं, करनगे ते खाणगे। इदां दे वी लोग हैगे ने जिन्हां नूं रब ने इस काम ते लाया है, पर इह वी रब दीआं खेडां ने। साडे वर्गियां नूं जिन्हां नूं बह के मिलदी, उन्हां नूं वेख के वी समझ नहीं आउंदी। शुकर करन दी बजाए बंदा रोटी दी भी बेकदरी करदा है। जदों हकूमत दा नशा मत ते भारी हो जाए ना, उदों गरीब दी रोटी रोटी नहीं लगदी, वो महसूस नहीं हुंदा भी वह भी रोटी खाएगा। आ तुसीं देखिया ही है ना, कल परसों एक हंकारी अफसर ने सब्जी नूं सब्जी रेहड़ी वाले नूं लत मार के उहदी सब्जी रोड़ दित्ती। मतलब कि अपनी रोटी रोटी लग रही है, जिहड़ा कमा के खा रहा है, जिहनूं पता भी शाम नूं इह वेचणी है ते अपने परिवार नूं रोटी खवाउणी आ, उस बंदे दी रोटी रोटी नहीं लग रही, क्योंकि मत मारी होई है माया ने, हंकार ने, नशे ने, हंकार दे नशे ने, हकूमत दे नशे ने। कहा भी जा सकता सी जे उह 5-7 बंदे इकट्ठे हो के चल रहे ने ते उन्हां दे नाल करोना नहीं चल रहा, ते जिहड़ा बंदा कल्ला खड़ोता खड़ोता रेहड़ी उत्ते सब्जी वेच रहा उहदे नाल करोना हो रहा जी। आप 5-7 इकट्ठे तुरे तुरे फिर रहे ने, पूरी रेड कर रहे ने, तो उन्हां 5-7 जाणियां नाल करोना नहीं होया, ते कल्ले खड़ोते रेहड़ी ते बंदे दी सब्जी मूधी करके सब्जी रोड़ के कहना तेना करोना हुंदा है, कमाल है। चलो हिदायतां जरूरी ने, हालांकि सरकार वालों स्पैशली भी सब्जियां वाली दुकानां खुलणियां ने, तो फिर भी इहदा मतलब कि धक्का गरीब ते ही है ना, अमीर नाल कौण कदे इदां हुंदा, उन्हें पता भी मेरी वर्दी लवा सकता है, उत डारिया। सतगुरु पातशाह कहिंदे करोड़ां ही इदां, रब ने इन्हां नूं कईआं नूं मेहनत दी दित्ती है भी इन्हां कमाउणी ते इन्हां खाणी आ, उदों नहीं खा सकते। कई कोट काले थक पाहे, कईआं करोड़ां विचारियां नूं घालणा घाल के खाणी पैंदी है, उदां नहीं उह खा सकते। पर बंदा इन्हां गल्लां नूं जो समझ देगा, समझ जाएगा ना, फिर कोई हीला कढेगा भी नहीं, उहने उहदा उहदा भी परिवार है, उहदे भी बच्चे, उहने भी तां रोटी खाणी है। सतगुरु पातशाह कहिंदे कई कोट किए धनवंत, करोड़ां ही वाहिगुरु परमात्मा ने संसार अंदर धनवान मनुख बना दिते हन। कई कोट माया में चिंत, करोड़ां ही सिर्फ जिन्हां नूं सिर्फ चिंता माया दी है, हर वेले माया दी चिंता लगी है। कई कोट माया में चिंत, जह जह भाणा तह तह राखी, जिथे जिथे वाहिगुरु का हुक्म आ भाणा आ, हर जीव उथे उथे खलोता होया। महाराज का बड़ा प्यारा बचन पढ़ देना आप, जै जै ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होवना, जै जै रखे आप तह जाए खड़ोवना। तू जिथे कि महाराज हुक्म करदा है, जिवें जिवें जीवन हुक्म करदा है, सारे जीव उदा उदा नचते फिरते ने, ज्यों ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन।
महाराज तू जिवें जिवें नचाउना जीवां नूं उवें उवें जी नच सब नचदे पए ने। काठ की पुत्री कहां कर बपरी खिलामन हारो जाने जैसा खेल करे ओ बाजीगर तैसो ही ओ सा जाने। महाराज ने जिक्र किया जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे। हजूर अगे सब कुछ परमात्मा दे हाथ वास। अगली पंक्ति है कई कोट पए बैरागी करोड़ा जेडे आपने परिवारां नूं छड्ड के संसार विच बैरागी हो गए। एक बैरागी एक बैरागी हुंदा है परिवार विच रह के सारी जिम्मेवारी निभाउंदिआं आत्मिक तौर ते माया तो बैरागी होना अंदर तो मन करके बैरागी होना। कई कोट पए बैरागी इत्थे जिहड़ा बैरागी का अर्थ है जिहड़े संसार दे विच परिवारक मोह छड्ड के ते जंगलां विच चले गए उन्हां दा जिक्र है। कई कोट पए बैरागी कई कोट पए बैरागी राम नाम संग तिन ले विलागे। कई जिहड़े अंदरों बैरागी हो गए उन्हां दी कईआं दी रब नाल लिव लगी भी होई है। कई हजारां ही करोड़ां ही जीव रब नाल सुरत ला के बैठे ने। कई कोट रब को खोजनते कई करोड़ां रब नूं लभ रहे ने खोज रहे ने। कईआं दी सुरत लगी हुई है ते कई खोज रहे ने। आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते जिन्हां दी सुरत लगी हुई है उन्होंने अपने अंदरों परमात्मा नूं लभ्या है ते कई अंदरों लभ रहे हन। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास करोड़ां ही ऐसे जिन्हां नूं परमात्मा दे दर्शनां दी चाहना है प्यास है। महाराज दर्शन दी लालसा हुंदी है महाराज दर्शन करने ने परमात्मा नूं वेखणा आ इदां कोई समाधियां लाउंदा ताड़ी लाउंदा है। तिन को मिलियो प्रभ अविनाश जिन्हों प्यास है परमात्मा नूं मिलण दी उन्हों वाहिगुरु मिलता भी है खिच वाले नूं मिलता है चाहना होवे तां मिलता। बड़ियां साखियां ने ऐसियां मैं अपना अक्सर साझियां कीतियां फिर टूक मात्र हवाले देने आ भावें बीबी भाग भरी है माई भाग भरी है। एक बार हरगोबिंद साहब महाराज नूं याद करदी छे पातशाह कश्मीर जाके दर्शन देंदे माई ताबो ने गुरु हर राय साहब महाराज नूं याद किया गुरु हर राय साहब तां गए उत्थे। भाई साधु ते भाई रूपे ने याद किया गुरु हरगोबिंद साहब उसे वेले गए ने। भाव कि इदां ही गुरु साहिबाना नूं कुछ सिख जिहो जी भावना दे नाल अरदास बेनती करके याद करदा सतगुरु उसदी भावना उसे तरह पूरी कर देंदे ने। तिन को मिलियो प्रभ अविनाश जे मन दी चाहना मालक नूं मिलण दी है ते उह अरदास सुणदा भी है। पाछ कहिंदे कई कोट मंगे सतसंग कई करोड़ां इदां जिहड़े हर वेले इह अरदास करदे महाराज सानूं सतसंगत बख्श सानूं संगत करन दी जाच बख्श। बाबा रविदास वर्गे महान योधियां ते महापुरखां ने बाणी ते जिक्र कीता है संत तुझी तिन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस संत प्रेम माझे दीजे देवा देव। उन्हें एक बड़ा प्यारा तरीका दसिया कहन लगे महाराज मैनू ये चीजा दे सत संगत की दात बख्श ते किदां दी दात बख्श। कहिंदे साध संगत मिल रही है माधु जैसे मधुप मखीरा इदां जिवें मधु मखियां टेक के बैठ दियां इदां संगत करन दी जाच बख्श मैनू इदां। कई कोट मांगे सतसंग पार ब्रह्म तिन लागा रंग उन्हां दा रंग रंग मैने प्यार परमात्मा नाल बन गया। अखीरली पंक्ति है जिन को होए आप सो प्रसन्न। हे वाहेगुरु जिहदे उपर तू तसब्बर करदा आ मेहर भरिया हाथ रखदा आ आप अपनी कृपा दृष्टि कर दिंदा आ नानक ते जन। नानक जी कहिंदे ओह जिहड़ा मनुख है सदा धन धन सदा ही धनता दे योग हो जांदे हन तन ओह धन हो जांदे ने जय जयकार हुंदी उहनां मनुखां दी जिन्हां उपर मालक सच्चे पातशाह तू रहमतवान बख्शिश भरिया हथ रखदा है ते जिहड़े तेरे चरणा दा सहारा लैंदे विचार करदियां होईआं फुल्लां दी खेमां बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।